नमस्कार, मैं अनुप्रिया, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। गणेश मूर्ति आगमन और विसर्जन के समय मूर्तियों को कोई भी बाधा ना पहुंचे, इसलिए प्लास्टिक आवरण चढ़ाने को महापालिका ने मंजूरी दी है। प्लास्टिक बंदी की वजह से बापा की मूर्ति बनाने वालों के सामने इन मूर्तियों के सुरक्षा संदर्भ में प्रश्न उपस्थित हुआ था। इन मूर्तिकारों ने महापालिका और पूर्व मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति के पास प्लास्टिक इस्तेमाल संदर्भ में विनती की थी। इसके अनुसार गणेश मूर्ति के सुरक्षा के लिए गणेश मूर्ति प्लास्टिक आवरण में ढकने के लिए महापालिका उपायुक्त इन्होंने मंजूरी दी है। इसी के साथ गणेश मूर्ति आगमन और विसर्जन के समय मूर्ति को कोई भी बाधा न पहुँचे, इसलिए प्लास्टिक आवरण चढ़ाने को महापालिका ने मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। मोबाइल यह अपने जीवन का अविभाज्य घटक है। 31 जुलाई 1995 को भारत में पहली बार मोबाइल का आगमन हुआ था। मोबाइल यह अपने जीवन का अविभाज्य घटक है। फिलहाल स्थिति में भारत में मोबाइल के करोड़ों यूजर्स हैं। 1973 में वर्ल्ड में मोबाइल का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन भारत में मोबाइल आने के लिए 22 वर्ष लगे। 1995 साल में भारत में मोबाइल का आगमन हुआ और 31 जुलाई 1995 को पहली बार भारत में मोबाइल की रिंग बजी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। जल्दी ही नई मुंबई महापालिका के परिवहन उपक्रम में 30 इलेक्ट्रिक बस दाखिल होने वाले हैं। केंद्र शासन के अवजड़ उद्योग मंत्रालय ने फेम योजना अंतर्गत नवी मुंबई महापालिका के परिवहन उपक्रम को 30 इलेक्ट्रॉनिक बस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र शासन के फेम योजना के अंतर्गत 30 बस लोकसभा मतदार संघ के नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर महापालिका को मिलने वाली है। इसके लिए सन 2014 से पत्र व्यवहार शुरू था। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति के फल बाजार में बड़ी मात्रा में बारिश के फलों की आवक हुई है। मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति के फल बाजार में बड़ी मात्रा में बारिश के फलों की आवक हुई है। यह सभी फल 100 से 200 रुपए किलो भाव से उपलब्ध है। इसमें पीच, प्लम, चेरी, बादाम, खजूर, एप्रिकॉट, इन फलों का समावेश है। यह सभी फल कश्मीर, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। राज्य के गृह विभाग ने नई मुंबई पुलिस आयुक्त पद के लिए संजय कुमार इनकी नियुक्ति की है। राज्य के गृह विभाग ने नवी मुंबई पुलिस आयुक्त पद के लिए संजय कुमार इनकी नियुक्ति की गई है। संजय कुमार इससे पहले राज्य के गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे में अपर पुलिस महासंचालक पद पर कार्यरत थे। 1 अगस्त से संजय कुमार नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त पद स्वीकारने वाले हैं, ऐसा पुलिस सूत्रों ने बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। पानी यह अपने जीवन का अविभाज्य घटक है। दूषित पानी पीने से बीमारियां होती है, इसलिए हर रोज स्वच्छ और उबला हुआ पानी पिए और अपने सेहत का ध्यान रखें। भी बारिश के दिन शुरू है, बहुत जगह पर बारिश का पानी जमा हुआ है। अपने मकान के क्षेत्र में, बालकनी में और छत पर और मकान में भी पानी जमा हो जाता है। ये जमा हुआ पानी गंदा रहता है, इसकी वजह से बीमारियां होती है। इसकी वजह से बहुत रोग फैलते हैं। गंदा पानी पिया जाने से बीमारी पैदा होती है। गंदा पानी पीने से जुलाब, उल्टी, गैस्ट्रो, टाइफॉइड, विषाणु और जीवाणु की बीमारियां हो जाती है। पानी ये अपने जीवन का अविभाज्य घटक है। पानी के बिना ना जीवन है न हो सृष्टि है। इस वजह से अपने दैनंदिन जीवन में पानी का बहुत महत्व है। इसी के साथ दूषित पानी पीने से कई बीमारियां और कई रोग अपने शरीर में निर्माण होते हैं, जिससे इंसान का आयुमान कम होता है। इसलिए हर रोज स्वस्थ और गर्म बॉइल पानी के लिए इस्तेमाल करें। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।